नहीं जाना सचिन पनि त्यही छ छमा बस जय जी जादर जयको छोरा खै टेस्ट चल्द रहेछ यताको पनि ए गणपति तब आउँदाखेरि यहाँको विसर्जन गर्दैछ हिजो हजुर त्यो उस व्हाट्सएपबाट हमारे साथ गिरजा और यहाँ पे है वन एंड ऑल ऋषि साहब बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटर नो वंस अगेन ब्रो वी आर गोइंग टू बेलूर फर्स्ट और हालीबेडू ओके देन इनका ही सुनूंगी ना भैया भैया इम्पोर्टेंट है बेलोर लेके जा रहे सबको वी आर गोइंग टू बेलोर ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इट इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर सो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट आर्ट यू कैन सी वो देयर जैसे राधा अष्टमी है राधा का जन्मदिन एंड बेलूर इज यू नो सिचुएटेड नियर रिवर आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ द रिवर बट हाँ दिस इज फेमस रियली फेमस फॉर चेन्नकेश्वर टेम्पल एंड वन ऑफ द फेमस नो इट इज टैग्ड अंडर द यूनेस्को हेरिटेज वन ऑफ द हेरिटेज साइट्स इन कर्नाटका सो वन ऑफ द मोस्ट मिसमराइजिंग एक्सपीरियंस यू विल हैव सो लेट्स एंजॉय सो लेट्स सी विल ट्राई टू शो यू द बेस्ट प्लेस जगह पे हरी हरी हरा बोलते हैं ठीक है ये था कहानी और उसके बाद में इसके पीछे इसको बनाने वाला था जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट के भी पीछे एक कहानी है आर्किटेक्ट तो जकनाचारी उसने वो बेलूर टेम्पल को उन्होंने बिल्ड किया मतलब उसका ओके उन्होंने जो वहाँ पे शर्त लगाया था इस आइडल में कुछ कमियां है बोल के जकनाचारी ही वॉज फेमस एट दैट टाइम वो उन्होंने कम से कम 100-200 मंदिर का आर्किटेक्ट वही था तो उन्होंने ठीक है अगर ऐसा कुछ कमियां दिखाए तो मेरा बाय जो राइट हैंड को कट करता हूँ आज के बाद मैं आर्किटेक्ट का काम नहीं करूंगा ठीक है उसके बाद में उसका बेटा आ गया बेटा आके क्या किया पूरा जो मूर्ति है ना मूर्ति के ऊपर उसने क्या बोलते हैं उसको बटर से उन्होंने ये किया कवर किया बटर को कवर करने के बाद में पूरा मूर्ति का बटर जो है वो पिघल के नीचे उतर के आ गया लेकिन पेट के ऊपर का जो बटर था वो ऐसा ही था वो पिघला नहीं था उन्होंने बोला प्रॉब्लम यहाँ पर है ठीक है उसके बाद में उसको तोड़ने के लिए बोला यहाँ पे आप तोड़ के देखो कुछ तो है बोल के वो तोड़ने के बाद में उसके अंदर पेट के अंदर मेंढक था तो मेंढक बाहर निकल के आया तो उसके बाद में जकनाचारी जो था उसने उसके सामने उनको पूछा आप किसका बेटा है उसने बोला मैं जकनाचारी का बेटा तो बाप बेटे का संगम वहां पे होता है उसके बाद में वो खुद वहीं पे खड़े होके वो राइट हैंड कट कर लेता है हाँ कट कर लेता है और कट करने के बाद में बोलता है इसका मूर्ति जो है मूर्ति को आप बनाओ वो बनाता है वो बनाने के बाद में और भी सुंदर बनता है पहले से भी और सुंदर बनता है वो मूर्ति हाँ बेटा को बाग घर से भगाया था ना उसने तेरे को ये काम नहीं आता है बोल के बेटा वापस आया था और अच्छा बन के ठीक है और उसके बाद में जो हलेबीडो का जो आर्किटेक्ट है आर्किटेक्ट का काम उनको देता है तो उन्होंने और बेहतर बनाता है
मंदिर को, बेलोर का जो मंदिर था उससे बेहतर मंदिर हलेबेड़ू में बनता है। तो ये उनका नाम क्या बताया उन्होंने, हाँ विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन और शांतला देवी जो थे, शांतला देवी के ऊपर एक कलंक आता है, ठीक है, तो कलंक आने के बाद में वो घर से निकल के वो आती है इधर तुमकुर के पास, एक शिवगंगा हिल है, तो शिवगंगा हिल में एक शिव भगवान का मंदिर है, तो वहां पे आके वो बोलती है मेरे ऊपर इतना सारा इल्जाम लगाया हुआ है लोग, तो मैं क्या करूं बोल के, उधर आने के बाद में वो बेहोश होके वो गिर जाते हैं। और विष्णुवर्धन भी ऐसा ही, वो पैदल आते हैं, उसको ढूंढते 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 वो भी उधर ही आता है, उधर आने के बाद में वो क्या करता है, खुद वो शिव जो हिल है ना वहां से कूद के वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है विष्णुवर्धन। हाँ मैंने मेरा रानी को नहीं बचा पाया बोल के, तो उसके बाद में वो जागती है, जाग के वो देखती है वहाँ उनका लाश रहता है, तो फिर वहां से वो भी कूदती है। यही तो स्टोरी, मतलब architecture behind this temple is the great architect Jagannathachari. Saturday. Yes. Wow.
आई फील लाइक आई एम एंटरिंग इनटू दिस थिंग टैंजोर टेंपल. आपने टैंजोर टेंपल देखा है?